2023 वाली मर्सिडीज जी वैगन को मर्सिडीज ने इंडिया में लॉन्च कर दिया है, पर दोस्तों दिक्कत क्या है, इस गाड़ी का प्राइस 80 लाख रुपए से बढ़ा दिया है। तो काफी लोगों ने इसके लिए पैसे इकट्ठा करे होंगे, मान लो मैंने भी करे, पर अब दोस्तों जब पैसे इकट्ठा हुए, इस गाड़ी का प्राइस 80 लाख रुपए से बढ़ गया, पर अब दोस्तों जब वो 80 लाख पूरे होंगे मान लो, फिर इस गाड़ी का प्राइस 10-15 लाख से और बढ़ा देंगे। तो दोस्तों ये नेवर एंडिंग साइकिल है, ऐसे तो हम अगर इस गाड़ी के पीछे पड़े रहेंगे ये गाड़ी आगे भागती रहेगी, हमें कुछ और अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने आपके भाई ने आप सब जिगर के छल्लो के लिए क्रिंज है यार ये तो, एक काफी अच्छा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि जिम्नी को ले और उसमें जो जी वैगन वाली किट है मॉडल वाले इंपोर्ट करके और बढ़िया फिर जी वैगन के 1/15 प्राइस में जी वैगन का मजा ले ले। और कोई कह भी नहीं सकता दोस्तों कि ये फेक जी वैगन है, ये असली जी वैगन है। हर एक अच्छा इंसान कहेगा कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने जी वैगन ली है, काफी तरक्की कर ली तुमने। बुरे लोग होंगे जो कहेंगे कि भाई ये तो नकली गाड़ी है, तुम तो फेक चीज दिखा रहे हो। मैंने सारी जो जिम्नी टू जी वैगन वाली बॉडी किट कंपनीज है उन सबको कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल एक जापानीज कंपनी है DMD, उनकी लिटिल जी किट आती है उनको कॉन्टैक्ट करा, एक एरोवर की किट आती है उनको कॉन्टैक्ट करा, 2-3 दुबई बेस्ड कंपनीज है उनको कॉन्टैक्ट करा, और जो बेस्ट कंपनी है वो मेरे हाथ लग गई इस वाली वीडियो से जिसमें आंटी बढ़िया एक्सप्लेनेशन दे रही है अपनी जी वैगन वाली किट के लिए। पर दोस्तों जो मैं मेन प्रभावित हुआ इनके व्हाट्सएप स्टेटस को देख के हुआ, जो कि है हु डेयर्स विन। तो ऑब्वियसली दोस्तों इसी से हमें खरीदनी थी अपनी किट को, हम किसी और से थोड़ी लेंगे यार, ऑब्वियसली इन्होंने डेयर कर लिया विन करने के लिए। इसलिए मैंने इन्हें मैसेज करा, हाय दिस इज हर्ष, जस्ट वांटेड टू चेक एज टू व्हाट द प्राइस इज for the G-Wagon kit for Suzuki Jimny। इन्होंने लिखा sure, yes please tell, मैंने लिखा। फिर इन्होंने लिखा but we only have for 3 doors। तो अब दोस्तों हमें पता है कि इंडिया में 5 door वाला वर्जन आ रहा है, पर मैंने ने कहा नहीं कि मेरे पास तो 5 door वाला वर्जन है, मुझे 3 door से क्या लेना, क्योंकि फिर यार बातचीत ही ना होती आगे तो क्या ही फायदा फिर। तो मैंने कहा यस यस यू कैन टेल। तो इन्होंने भी थोड़ी बहुत इमेजेस वगैरह भेजी अपनी पूरी बॉडी किट की, पर दोस्तों इमेजेस तो मुझे वेबसाइट से मिल गई थी, तो इसलिए मैंने कहा कैन यू सेंड द इमेजेस ऑफ ऑल द पार्ट्स, मतलब सेपरेट पार्ट्स। और इन्होंने कहा श्योर प्लीज होल्ड, और एक PDF भेजी है जिसमें 28 डिफरेंट पार्ट्स है और हर एक पार्ट की अलग अलग ऐसे सिग्निफिकेंसी है, जिसमें पहला पार्ट है इनका बॉडी मोल्डिंग वाला, जिसमें आपने देखा होगा कि हर एक जी वैगन में आपको साइड में ऐसे पट्टी सी मिलती है उसके दरवाजों पे और उसके फेंडर्स पे ब्लैक कलर की, जिससे ऐसे थोड़ी ऐसे ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड गाड़ी वाली लुक्स आती है और काफी कूल लगती है। तो ये आपको सबसे पहला पार्ट मिलता है। और दोस्तों दिक्कत क्या है कि ये 3 door वाली गाड़ी के लिए बना है, हमारे इंडिया में 5 door आती है, तो इसलिए थोड़ी छोटी पड़ जाएगी इंडिया के हिसाब से। तो ये दोस्तों हमारे काम की नहीं है, पर चलो कहीं ना कहीं तो लगा ही देंगे ना, एस्प्रेसो पे लगा देंगे कोई बात नहीं। फिर है बोनेट, और ये जो बोनेट है फाइबर का बोनेट है, प्लास्टिक का बोनेट है, ये ऐसे कोई मेटालिक बोनेट नहीं है। तो हाँ इसमें आपको लुक्स वो वाली मिलने वाली है जी वैगन वाली, पर आपको स्ट्रेंथ नहीं मिलने वाली। फिर आपको बोनेट जंपर मिलते हैं या फिर आपको स्टड्स मिलते हैं बोनेट को ऊपर करने के लिए, और ये काफी कूल है क्योंकि शायद जो नॉर्मल वाली जिम्नी है उसमें आपको ऐसे वही तार सी मिलती है ऐसे डंडी सी, पर इसमें आपको ऐसे हाइड्रोलिक स्टड्स मिल रहे हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा कन्वीनियंस होगी। फिर आपको सामने वाला बम्पर मिल रहा है जिसमें आपको बड़े बड़े एयर इनटेक मिलते हैं, और साथ ही में आपको ये ग्रे वाला पार्ट मिलता है जो कि काफी कूल लगता है। और सब्सक्राइब बटन भी अभी ग्रे है, उसे लाल कर दो और बढ़िया सब्सक्राइब कर लो और वर्ल्ड की बेस्ट कार कम्युनिटी बना दो। फिर आपको बम्पर मिलता है रेयर वाला, जिसमें आपको जो जी वैगन है वैसी थोड़ी बहुत डिजाइनिंग मिलती है, आपको थोड़ी उभरी उभरी लुक्स मिलती है। फिर आपको बम्पर गार्ड मिलता है सामने के लिए जैसे जी वैगन में आता है, पर दोस्तों दिक्कत क्या है कि हमारे इंडिया में बुल गार्ड्स को बैन करा हुआ है, तो ऐसा ना हो कि हम ये मंगा ले, इस पे पैसे खर्च दे और बाद में फिर इंडिया में बैन हो जाए, हमारे चलान कट रहे हैं, तो इसका हमें देखना पड़ेगा। फिर आपको एग्जॉस्ट टिप मिलती है जिसमें आपको कार्बन फाइबर की फिनिश मिलती है, और ये जो एग्जॉस्ट है इससे ऐसा नहीं है कि आपको आवाज मिलने वाली है बढ़िया, बस आपको लुक्स मिलने वाली है जैसे जी वैगन में आपको साइड में जो उसके साइड स्टेप है उसके नीचे आपको एग्जॉस्ट मिलते हैं, ये वही वाले होने वाले हैं, बस चिपका दिए जाएंगे, काम इसका कुछ ही नहीं है। फिर आपको टेलर्स मिलती है रेयर वाली, जिसमें आपको जी वैगन वाली शेप मिलती है, आपको वैसी वाली पूरी LED फंक्शन मिलता है जो कि काफी कूल है। आपको फेंडर्स मिलते हैं पीछे वाले, जैसे अगर आप देखें जी वैगन में आपको ऐसे थोड़े मोटे मोटे फेंडर्स मिलते हैं, तो वैसी लुक्स देने के लिए इसमें आपको एडिशनल फेंडर्स मिलते हैं। फिर आपको फेंडर लाइट्स मिलती है, जिसमें आपने देखा होगा कि जी वैगन में आपको बोनेट के ऊपर ऐसे 2 लाइटें मिलती है जो कि इंडिकेटर होते हैं और काफी ऐसे आइकॉनिक से लगते हैं, तो वही आइकॉनिक लुक देने के लिए आपको ये वाले फेंडर लाइट्स मिलती है। फिर आपको फेंडर लाइनर मिलता है, और इसका अगर आपको मतलब नहीं पता तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर आप फेंडर्स को इंस्टॉल करते हो अपनी गाड़ी में तो ऐसे कोई आफ्टर मार्केट फील ना आए, तो इसलिए फेंडर लाइनर को लगाया जाता है, ताकि एकदम ऐसे बढ़िया एकदम सपाट सी फील आए और ऐसा लगे ना कि बाहर का कोई पार्ट है। फिर आपको फेंडर माउंटिंग प्लेट मिलती है, जिससे जो फेंडर है आपकी गाड़ी की बॉडी पे अटैच होने वाला है। फिर आपको फेंडर मिलता है सामने वाले, जिससे आपको जी वैगन वाली थोड़ी और बढ़िया लुक्स मिले। फिर आपको फुटस्टेप मिलते हैं, आपको रनिंग बोर्ड्स मिलते हैं अल्यूमिनियम के, और दोस्तों ये है तो बहुत बढ़िया, पर दिक्कत क्या है कि ये 3 door वाली गाड़ी के लिए बने हैं, हमारी 5 door गाड़ी है, इसलिए थोड़े छोटे पड़ेंगे और पीछे तक आएंगे नहीं,
तो इसमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, और आपको फुटस्टेप होल्डर मिलता है जिससे फुटस्टेप इंस्टॉल हो जाएंगे। फिर आपको हेडलाइट फ्रेम मिलता है, क्योंकि जो जी वैगन है उसमें आपको गोल लाइट्स मिलती है, पर लाइट्स की ओरिएंटेशन थोड़ी डिफरेंट है, तो उसको हाउस करने के लिए आपको हेडलाइट फ्रेम मिलता है। फिर आपको हेडलाइट्स मिलती है एलईडी वाली, जो कि काफी कूल लगती है, और ये कितनी कामयाब है मुझे नहीं पता, पर ऑब्वियसली उतनी नहीं होगी जितनी कंपनी की आती है। फिर आपको लाइट होल्डर मिलता है, और आपको नट एंड बोल्ट्स एंड अदर मिलती है। बढ़िया दोस्तों, पेज वेज भी आपको साथ ही दे रहे हैं। आपको ऐसा नहीं कि हार्डवेयर की दुकान में जाना है और ऐसे पेज वेज इकट्ठे करके लाने हैं, पेज आपको सारे मिलेंगे। फिर आपको रनिंग बोर्ड मोल्डिंग मिलती है, जिसमें आपको ऐसे थोड़ी एक्स्ट्रा फिनिशिंग मिलती है आपके रनिंग बोर्ड्स के लिए, ताकि थोड़े और कूल लगे। आपको शो ग्रिल मिलती है, जिसमें आपको वर्टिकल स्लैट्स मिलते हैं जी वैगन जैसे, और बीच में आपको लोगो ऐसे कुछ नहीं मिलता, आपको अपने लगाना पड़ेगा। और यार सुजुकी लगा लेना मेरे ख्याल से, मर्सिडीज मत लगवाना यार, थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा वो। फिर आपको प्लेट नंबर लाइट मिलती है, नंबर प्लेट के लिए आपको लाइटिंग मिलती है। आपको साइड मिरर्स मिलती है, क्योंकि जो जी वैगन है उसमें आपको थोड़े से कर्बी से साइड मिरर मिलते हैं, तो वैसी वाली लुक्स देने के लिए इसमें आपको ये सब भी मिलता है। फिर आपको स्पेयर टायर कवर मिलता है, जिसमें जो स्पेयर टायर है उसके लिए आपको कवर मिलता है, और उसके सराउंड में ऐसे पूरा क्रोम होता है, और काफी कूल लगता है। और ये भी प्लास्टिक का ही है, मेटालिक नहीं है ये। और आपको डोर हैंडल्स भी मिलते हैं दोस्तों, ताकि आपको प्रॉपर जी वैगन वाली लुक्स मिले। पर दिक्कत क्या है कि ये सिर्फ 3 डोर हैंडल्स है, हमारी गाड़ी में भाई 5 दरवाजे हैं, तो ऐसा ना हो कि 2 दरवाजों में आपको पुराने वाले ऐसे वाले डोर हैंडल्स मिलते हैं, 2 में आपको ऐसे वाले मिलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि भाई साहब 2 और दे दो, तो हम क्या करें, हमारी गाड़ी में एक्स्ट्रा दरवाजे दे दिए कंपनी ने। दोस्तों अगर आप देखें, यहाँ तक हमारी गाड़ी पूरी कन्वर्ट हो चुकी है और हमें कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया जी वैगन वाली लुक्स आ जाएगी। पर एक कमी है कि अभी हमारी गाड़ी में जो अलॉयज है वो वाले नहीं आए, जो कि जी वैगन में आती है, तो वो भी इस कंपनी ने हमें दे दी है, जिसमें हमको जी वैगन वाले अलॉयज मिलते हैं। और अब इन्होंने क्या करा है कि सामने के अलॉयज का आपको डिफरेंट साइज मिलता है, और पीछे के अलॉयज का आपको डिफरेंट साइज मिलता है, और दोनों 18 इंच के है, क्योंकि अलॉयज काफी ज्यादा बड़े हैं एज कम्पेयर टू जो अलॉयज आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं गाड़ी के साथ। तो इसलिए आपको व्हील स्पेसर भी मिलते हैं, ताकि ये बढ़िया परफेक्टली गाड़ी के अंदर फिट हो जाए। और बाकी आपको टायर्स का ऑप्शन भी मिलता है, अगर आपको टायर्स भी लेने हैं इनसे, पर भाई बढ़िया अपना वो जाना वेलोसिटी टायर्स जाना, वहां से टायर्स जलवा के आना, क्या ये पता नहीं दुबई के टायर्स खरीदना। तो फिर दोस्तों किट वगैरह मैंने देख ली, पर अब मेरे अंदर क्वेश्चन था कि क्या मैं सेपरेटली हर एक पार्ट को मंगा सकता हूँ। मान लो मुझे 2-3 पार्ट नहीं खरीदने, जो कि हमारी 5 डोर वाली जिमनी में फिट नहीं होंगे, तो उन्हें एक्सक्लूड करके हम बाकी सारे पार्ट्स मंगवा लें, क्योंकि बाकी सारे फिट हो जाएंगे। तो मैंने कहा कैन वी हैव लाइक द सेपरेट कॉस्टिंग ऑफ ईच पार्ट, तो वो कहते हैं नो इट्स अ पैकेज। तो मैंने कहा सो वी कांट ऑर्डर सेपरेट पार्ट्स, तो वो कहते हैं सॉरी नो। तो फिर मैंने पूछा एंड इज द प्राइस फिक्स्ड और नेगोशिएबल, जैसे हर एक इंडियन पूछता है, अगर भाई नेगोशिएशन नहीं कराई भाई पता किस चलेगा दुनिया वालों को कि मैं इंडियन हूँ। तो इन्होंने फिर थोड़े बहुत प्राइजेस वगैरह भेजे, 3 डिफरेंट पार्ट में प्राइजेस भेजे हैं, जिसमें अगर आपको एकदम बेसिक किट लेनी है, सिर्फ आपको बॉडी किट लेनी है और आपको अलॉयज नहीं खरीदने, तो उसके लिए आपको $6,300 देने पड़ेंगे, या फिर आपको 5,16,000 के आसपास देने पड़ेंगे, जो कि ऑब्वियसली थोड़ा महंगा है। और इस पे ये कह रहे हैं कि अराउंड 10% का डिस्काउंट दे देंगे, तो अराउंड 40-50,000 आप और कम कर लो, 4,500 के आसपास की बढ़ने वाली है। अगर आपको साथ में अलॉयज भी लेने हैं तो आपको $7,600 देने पड़ेंगे, या फिर ऑलमोस्ट 6,23,000। तो अलॉयज के लिए आपको 1,05,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, और क्या वो वर्थ है, मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि इंडिया में काफी जल्दी 50-60,000 में ये वाले अलॉयज अवेलेबल हो जाएंगे। और लास्ट है इसका ऑप्शन, जिसमें आप बॉडी किट भी लेते हैं, आप अलॉयज भी लेते हैं और आप टायर्स भी लेते हैं, और उसके लिए आपको $8,200 देने पड़ेंगे, या फिर ऑलमोस्ट 7,00,000 रुपए। तो 70,000 रुपए एक्स्ट्रा ब्रांड मांग रहा है टायर्स के लिए, जो कि बिल्कुल वर्थ नहीं है, हम इंडिया से बढ़िया टायर्स ले सकते हैं। तो इसके बाद फिर डिस्काउंट वगैरह की बात हुई, एंड व्हाट इज द शिपिंग प्रोसीजर एंड कॉस्ट, तो इन्होंने पूछा विच पोर्ट, तो मैंने कहा इनलैंड कंटेनर पोर्ट, जो मेरे घर के सबसे पास है, दिल्ली के सबसे पास है, तुगलकाबाद वाला। तो इन्होंने पूछा डू यू हैव कंटेनर इन दुबई, तो मैंने कहा ऑब्वियसली नो। तो इन्होंने कहा LCL कर सकते हैं, तो LCL का मतलब होता है लेस देन कंटेनर लोड। और इसमें क्या होता है कि मान लो कोई बंदा है जो कि दुबई से कुछ सामान मंगा रहा है और उसका कंटेनर अभी खाली है, तो उसके कंटेनर में मेरा सामान आ जाएगा और हम दोनों कंटेनर कॉस्ट को शेयर कर सकते हैं, ताकि बढ़िया कॉस्टिंग भी कम रहे और सबका सामान आ जाए। तो इन्होंने कहा कि बट आई सजेस्ट यू टू गो फॉर ऑप्शन 2 एंड बाय द टायर्स फ्रॉम योर एंड, थैंक यू वेरी मच, मैं यही करने वाला था। दिस वे यू कैन सेव फ्रॉम पैकेज प्राइस एंड शिपिंग वगैरह ऑब्वियसली। सो मैंने कहा व्हाट विल बी द प्रोसीजर फॉर द सेकंड वन, तो इन्होंने कहा कि अराउंड 10-12 दिन में ये पिकअप के लिए रेडी हो जाएगी किट, और उसके बाद ये शिप कर सकते हैं, और फिर बाकी पूरा प्रोसीजर होगा। और फिर इन्होंने पूछा नेम ऑफ द पोर्ट, मैंने इन्होंने फिर टैग कर दिया इनलैंड वाला पोर्ट। तो इन्होंने फिर कहा आई विल चेक कराची पोर्ट पाकिस्तान। अरे भैया मैं तो दिल्ली से हूं, मैं कराची से तो हुई नहीं, अगर मैं कराची से होता भी तो मैं जिमनी की किट थोड़ी मंगाता, मैं तो आटा मंगाता ना फिर। और जो शिपिंग कॉस्ट है आप अराउंड 30-40,000 एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, और जो इंस्टॉलेशन है अराउंड 50-60,000 की आप एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ प्लास्टिक की बॉडी किट आने वाली है, इस पे पेंट वगैरह होना आगे और बाकी फिर इसकी फिटमेंट वगैरह होनी है। तो 7,00,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा खर्चने पड़ेंगे, और आपकी जो जिमनी है वो जी वैगन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जिमनी का प्राइस अराउंड 16,00,000 का मान लो, तो उस पर 7,00,000 और लगा लो, तो 23,00,000 की आपकी जिमनी बढ़ने वाली है,
और बढ़िया आप जिमनी के प्राइस में जी वैगन का मजा ले सकते हैं। और वैसे आपको बता रहा हूँ कि हाँ, हो सकता है इन वाले किट्स की थोड़ी क्वालिटी अच्छी हो क्योंकि दुबई वगैरह में बन रही है, पर जो इंडिया का अपना करोल बाग है वहां पे भाई आसानी से 2.5-3 लाख में किट्स बनने वाली है जिसमें आप जिमनी को जी वैगन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो ये वाली सारे किट्स हैं इनमें थोड़ी बेशर्मी कम करी है, इनमें जो मर्सिडीज का लोगो है वो अभी यूज नहीं करा, इंडिया में गारंटी दे रहा हूँ मर्सिडीज का लोगो भी यूज होने वाला है, आपको प्रॉपर जी वैगन वाला मजा मिलने वाला बाहर से, अंदर भले वो कटारा अपनी जिमनी हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं इंटीरियर के बारे में भी ऐसे डिटेल्स पता करूं तो वो भी आप बता देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। इस वाली वीडियो पे अराउंड 15,000 लाइक्स आने चाहिए और उस पर फिर इन्वेस्टिगेशन करेंगे।